नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार, आगरा लीक्स के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गई है। बीते 3 दिनों में दोबारा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से ज़्यादा हो चुका है। मंगलवार को भी रिकॉर्ड 1,15,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस अब नए नए क्षेत्रों में अपने पांव पसार रहा है। उत्तराखंड के रुड़की स्थित IIT में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां के 5 हॉस्टल सील कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल से अगले 10 दिन यानी 9 से 19 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कुछ और राज्यों में भी ऐसे ही सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है। इधर यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में स्थिति सर्वाधिक खराब है। यहाँ हर रोज़ 50,000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। मुंबई में कोरोना पेशेंट्स के लिए बिस्तरों की संख्या कम पड़ने लगी है। राज्य के भीड़ इलाके में कोरोना से दम तोड़ने वालों के अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। यहाँ एक एक चिता पर 8-8 शवों की अंतिम क्रिया हो रही है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चिंताजनक खबर मिल रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में सिर्फ 3 दिन का ही वैक्सीन स्टॉक बचा है। महाराष्ट्र की तरह आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन की किल्लत होने लगी है। आंध्र में हर रोज़ 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, अब वहां महज 4 लाख डोज बची हैं। आंध्र सरकार ने केंद्र से 1 करोड़ वैक्सीन डोज तुरंत उपलब्ध कराने की मांग की है। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा सभी राज्यों से किया है। इधर कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर के ज़्यादा खतरनाक होने के प्रमाण भी मिलने लगे हैं। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के MD डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि इस बार कोरोना संक्रमित होने वालों में अधिक संख्या युवाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की है। डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि कोरोना की पहली लहर में बुजुर्ग लोगों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के संक्रमित होना चिंता का विषय है। आगरा में भी बुधवार को 73 नए संक्रमित मिले हैं। पिछले 7 दिनों के अंदर आगरा में 417 कोरोना के केस मिल चुके हैं, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना वायरस को काबू करने के लिए सरकारों ने हर स्तर पर भरपूर उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता की सक्रिय सहभागिता के बिना इस जानलेवा बीमारी पर विजय पाना असंभव है। इसलिए पूरी सावधानी बरतें, घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, शारीरिक दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और यदि आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो तुरंत वैक्सीन लगाएं। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।